रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक बीना फूड एंड ब्लॉग्स में। जी आज मैं बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी यहाँ पर सब्जियों के साथ बनाने वाली हूँ, जिसमें मैंने कैबेज ली है, मटर ली है, कैरेट ली है, मेथी ली है, फ्रेश लेमन लिए हैं मैंने, और पोटैटो लिए हैं, और ये है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसे आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे भी कुछ नहीं खाते हैं तो इस तरह की रेसिपी उनके लिए बनाई है, और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बच्चों के लिए बनने वाली है। ख़ास तौर से मैं इसे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैं इसे रात में सारी चीज़ें इसकी रेडी करके रख दूँगी, और सुबह मैं इसे अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। बहुत ही मज़े का यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनने वाला है, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरे नए नए कुकिंग आइडियाज़ को आप लोग जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सबसे पहले आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले यूट्यूब पर आपके चैनल पर, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, डेली अपडेट्स के लिए वो भी आपको फ्री में मिलती रहेंगी। तो आप लोगों के सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेरे चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि आप लोगों के लिए मेरी कुकिंग न्यू आइडियाज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपकी और आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। डेली रूटीन के लिए रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि रोज़ समझ में नहीं आता क्या बनाया जाए, तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पानी को बॉईल करेंगे, और इसमें हम लेंगे पोटैटो, दो तीन उबाल लेंगे पानी का, आलू हम उबालेंगे, कैरेट उबालेंगे, और मटर उबालेंगे, दो तीन पानी के उबाल के साथ इनको निकाल देंगे। लेमन, मेथी और कैबेज जो है वो अलग करके रख देंगे। यहाँ पर मैंने लेमन, मेथी और कैबेज जो है, यानी कि बंद गोभी, वो यहाँ अलग करके रख दिए, इन्हें भी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर मैं इनको दो तीन उबाल दे के पानी फेंक दूँगी। मटर, गाजर और आलू, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है बॉईल के लिए, और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, बच्चों को चाहिए होता है फ्लेवर, जायका, भले उसमें मिर्ची ना हो बट जायका हो, नमक से जायका लगता है ज़ुबान को, तो हम यहाँ पर प्रोटीन बॉईल लेकर उसे फेंक देंगे पानी को। बहुत ही आसान रेसिपी है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने मेथी ले ली, इसे अच्छी तरह से धो लेना है, पहले मैंने इसे भिगो दिया, इसकी मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाएगी, फिर इसका पानी दो तीन बार फेंकूँगी, इसे अच्छी तरह से धोऊँगी, और कैबेज भी इसके अंदर ऐड कर दी है मैंने, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसके वाटर को ड्रेन कर लेंगे। तो ये देखिए कितना गंदा पानी है, कितनी मिट्टी निकली है मेथी के अंदर से। तो होममेड रेसिपी जब हम अपनी आँखों से, अपने हाथों से, साफ सुथरा घर में जब हम बनाते हैं कोई भी रेसिपी, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और जैसा कि बाहर से हम ना हमने देखा होता अपनी आँखों से किस तरह वो बना रहे हैं, तो होममेड रेसिपी इज़ वेरी गुड, हेल्दी हमारी फैमिली पर्सन के लिए। यहाँ पर सब्जियों में उबाल आ चुका है, इसे मैं पानी फेंक के और साइड में रख दूँगी। यहाँ पर है, आपके पास जो भी कोई आटा हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में हो इजीली, या फिर आप मैदा भी ले सकते हैं, चॉइस आपकी। मेरे पास यहाँ पर है वाइट आटा, जिससे पराठे बनते हैं, और मेरे पास है चक्की का आटा, गेहूँ का आटा, तो इसमें हम सूजी ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी सूजी है, बहुत ज़बरदस्त है हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त। इसमें नमक ऐड करेंगे, इसमें शुगर ऐड करेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे हम एक अच्छी सी डो बनाएंगे आटे की। अच्छा, यहाँ पर चीनी मैंने थोड़ी सी दी है, जैसे कि पराठे में लाजमी जाती है, थोड़ी सी ही डालिए। नमक ऐड करेंगे, और नमक जो है वो सब्जियों में भी ऐड है, ये नमक ऐड कर लिया। अब इनको हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर आप बटर भी ले सकते हैं गूंदने के लिए, इसको ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, और दूध से भी गूंद सकते हैं, और पानी से भी गूंद सकते हैं आटे को। यहाँ पर मैंने एक चम्मच ये वाला घी ऐड किया है, साथ में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से ऐड कर लूँगी।
अब यहाँ पर इसकी मैंने नॉर्मली डो बनाई है और इसे मैं इस तरह से पंच लगा के और घूमती जाऊँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट से मैं अच्छी तरह से घूमती रहूँगी। अगर बिल पर अगर आपका ये आटा इस तरह से डो जो होती है पतली हो जाती है तो आप उसके अंदर आटा या मैदे का और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं ताकि उसका जो पतलापन जो होता है वो दूर हो जाए। अब ये इस तरह से इसके ऊपर जो है ना घी दोबारा लगा लें ताकि इसके ऊपर जो है ना सूखा सूखा पन्ना है पापड़ी पापड़ी से ना जमे आटे के ऊपर। तो इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करके रख देंगे। यहाँ पर डो को लीड लगा के रख दिया है। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल को ड्रेन रख दिया है स्ट्रेनर में। यहाँ पर मैंने आलू तोड़ के देखे हैं, आराम से टूट रहे हैं, देखें सॉफ्टी हो गए हैं। इन्हें हम जो है ना मैश कर लेंगे हाथों से या मैशर से मोटा मोटा, और इसके अंदर ऐड कर लेंगे मेथी और कैबेज। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी मेथी और कैबेज, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ इसको स्ट्रेनर से निकाल के अब मैं इन सब चीज़ों को थाल में एक जो है ना शिफ्ट करूँगी। यहाँ पर लिया है मैंने बेसन, वो ऐड करेंगे इसके अंदर बाइंडिंग के लिए। इसमें नमक, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची और थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड करेंगे। यहाँ पर आलूओं ने इन्हें अच्छी तरह से जो है वो बाइंड कर लिया है वेजिटेबल्स को, बट मैं जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर बेसन भी ऐड करूँगी टेस्ट के लिए, जायके के लिए, फ्लेवर के लिए। मेथी और कैबेज में अभी जो है नमक नहीं है, नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे बेसन के साथ साथ इसी के अंदर, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ी सी जो है कुटी हुई लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और यहाँ पर भी हमने इसी तरह से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ऐड की हैं ताकि सब चीज़ों में चीज़ें जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिर्चें ज़्यादा नहीं ली हैं क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं ये। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एक चुटकी काली मिर्ची ऐड कर दी है, अब मिक्स कर लूँगी मैं। यहाँ पर मैंने बेसन को ऐड कर लिया है विदाउट वाटर। अब यहाँ पर लेमन जूस ऐड करेंगे क्योंकि हम इसको स्टोर करके रखेंगे, फ्रीज करके रखेंगे, 8 से 10 दिन तक भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करेंगे इसे फ्रेश रखने के लिए। जिनके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो मैं उनको इस तरह की रेसिपीज बना बना के देती रहती हूँ और वो इस तरह से बना के खाने में शौक़ से खा लेते हैं माशाल्लाह। यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल ले लिए जो कि मेरे पास ड्राई फ्रूट में से बचे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त हेल्थ के लिए होते हैं बच्चों बड़ों के लिए, तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। फाइनली इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसे मैं हाफ निकाल लूँगी, 2 रेसिपी रेडी होंगी इससे जो कि मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ। सबसे पहले मैंने अपने हाथों पे ऑयल ले लिया है, आटे को रखे आधा घंटा हो चुका है। ये मैंने ब्रेकफास्ट के लिए रेडी की हैं सारी चीज़ें, बट मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। आटे की सॉफ्टनेस देखिए, इसे फिर दोबारा से गूंथ लूँगी 5 मिनट के लिए। अब आटे की डो देखिए आप लोग फाइनल, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टनेट्स है, इतनी सॉफ्टनेट्स चाहिए थी हमें। तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी डबल पेड़े का पराठा ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए या फिर लंच टाइम के लिए भी। मैं इसके अंदर स्टफिंग करूँगी डबल पराठे की, और यहाँ पर ये होगी कैबेज और ये वेजिटेबल्स, बेसन जो कि मैंने आपको दिखाया 1 by 1 स्टेप फॉलो कीजिएगा आप लोग ज़रूर, और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा अपना कि आपको ये किस तरह की रेसिपी लगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसका जो है ना आप ब्रेड सैंडविच बना सकते हैं, इसका आप पिज़्ज़ा सैंडविच बना सकते हैं, इसका आप पिज़्ज़ा केचप के साथ, मेयो के साथ, चीज़ के साथ भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टफिंग कर ली है, अब मैं डबल पराठा इसके ऊपर रखूँगी, इसे हल्के हाथ से बेल लूँगी। ये मैंने अब तवे पर शिफ्ट कर दिया है, इसे मैं थोड़ा सेकूंगी और फिर साइड चेंज कर दूंगी। घी से इसे फ्राई करेंगे, आप चाहे तो बटर से भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है पराठे के ऊपर, ये देखिए बस।
ये यहाँ पर बटर चीज़ है और ये यहाँ पर जो है वो है क्रीम है, हम उसे योगर्ट पर ऐड कर लेंगे इन सब चीज़ों को, और बच्चे जो है पराठे इससे खाएंगे, और आप जो है ना बलाई जो होती है दूध के ऊपर उसे बलाई बनाकर दूध के ऊपर फ्रिज में रख के एक रात दूध को, उसके ऊपर जब बलाई आती है जैसे सभी को पता है बलाई कैसे दूध पे आती है, तो बलाई उतार कर उसमें चीनी डाल के उसमें भी इस तरह से आप पराठे बच्चों को खिला सकते हैं बहुत ही मज़े के। इस रेसिपी से मैंने सेकेंड रेसिपी भी रेडी की है, वो मैंने गोल्ड बाइट्स यहाँ पर बना ली हैं, नगेट्स बना ली हैं, और इन्हें चाय के टाइम पे सुबह शाम में ले सकते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, ये केचप के साथ, चिली सॉस के साथ, क्रीम चटनी के साथ खाएँ, बहुत मज़े के लगते हैं। और अब मैंने आपसे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की है जिसे बच्चे खाकर बहुत खुश हो जाएंगे, आपके बच्चे भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, और आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बच्चे आपको कोई चीज़ भी किसी तरह से भी खाने में परेशान नहीं करेंगे। तो इसी तरह की आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से कुकिंग के आइडियाज़ में लेके आती रहूँगी। और वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा, लाइक शेयर करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।